राज्य सरकार बंगाल की जनता को केंद्रीय सरकार की सभी सुविधाओं से वंचित कर रही है। वर्तमान में बंगाल के लोग उत्पीड़ित हैं। उन्हें संरक्षित करने के लिए भाजपा जनता के वोटों के बल पर बंगाल में सत्ता में आएगी। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मालदह में सन्माग से कही। जनता के बीच में जाते हैं और जनता हमें सहयोग करे, ऐसा हमें विश्वास है, यही हमारा प्लानिंग है। जनता हमें वोट दे, जनता हमें आशीर्वाद दे और हम जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे। तो हम जो कहेंगे अभी हमारा मैनिफेस्टो आएंगे, ये मैनिफेस्टो के एक मैं अवश्य आपको बताऊंगा कि बंगाल को न्याय होगा। सालों तक आज़ादी लाने में बंगाल के महापुरुषों ने जो योगदान दिया है उसके बाद बंगाल पीछे रह गया है। फिर से बंगाल एक सुनहरा बंगाल बने, एक विकसित बंगाल बने, उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना की थी तब से हम प्रो पोअर्स प्रो फार्मर्स हैं। हमारी सरकार ही किसान लक्ष्य है, इसलिए किसान की इनकम डबल हो उसके लिए हमने आज से बात नहीं की। जब हमने मोदी जी ने पहले 2014 में वोट लिया तब उन्होंने पहली प्रेस वार्ता में कहा था कि हमारी सरकार किसान लक्ष्य होगी, गरीब लक्ष्य होगी, वंचितों के प्रति समर्पित होगी। ये हमारा पहले से यही बातें और हो ही नारा से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए किसान को अभी याद करना विषय ही नहीं है। किसान की बात लेके पहले से ही निकले थे, आज भी हम कर रहे हैं और अगले दिनों में भी करेंगे।